अंगुलिकाओं यानी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली मछली को अनुमानित संचित वजन का 2% खाना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। अगर तालाब में अनुमानित 100 किलोग्राम मछली हो तो 2 किलोग्राम पूरक आहार की मात्रा प्रतिदिन दिया जाना चाहिए, जिसमें 1 किलो राइस ब्रॉन के साथ 1 किलो सरसों की खली से मिश्रण तैयार कर आहार के रूप में दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अगर राइस ब्रॉन में कीड़े लगे हों तो मिश्रण को गर्म पानी से सान कर 4 से 5 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद गोले बनाकर तालाब में इसे डाल दें, क्योंकि अगर कीड़े लगे मिश्रण को सीधे तालाब में डाल देंगे तो मछलियों को अर्गुलस कीड़े से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जाड़े के मौसम में मछलियों की वृद्धि दर कम होती है, इसलिए उनके आहार की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए और बाजार में उपलब्ध कोई भी विटामिन मिनरल मिक्सचर 1% की दर से उनके आहार मिश्रण में डाल सकते हैं। अब मछलियों को आहार देने की दूसरी विधि के विषय में जानते हैं। दूसरा विधि होता है मछलियों को पूरक आहार देने का, जिसमें जो हमारा पूरक आहार जो है उनको मिक्स करना है, जिसमें कि हमारा राइस ब्रान है, सरसों खली है, इन दोनों को मिला देना है इक्वल मात्रा में। अगर राइस ब्रान हमारा 5 किलो है तो सरसों खली भी 5 किलो होना चाहिए। इसके अलावा इसमें हम 1% के दर से विटामिन मिनरल मिक्सर डालते हैं एक ही बोड़े में, फिर दोबारा उसमें रख दिया जाता है। उसके बाद इसका हम मुंह ऊपर से बंद करके इसको बांध देते हैं और नीचे से इसमें हम छेद करते हैं इस तरह से फाड़ कर, और इस बोड़े को उस बांस, एक बांस रखते हैं तालाब से कम 10 मीटर अंदर, एक बांस के सहारे इस बोड़े को जिसमें हमने खाना रखा है उसको बांस के सहारे हम बांध देते हैं। यह मछलियों के लिए डिमांड फीडर के रूप में काम करता है कि जब भी मछलियों को भूख लगेगा तो वहाँ पे आकर वो खाना अपना ग्रहण करती हैं। इसके अलावा भी आपको ये बता दें कि चूने का व्यवहार तालाब के पानी को कई तरह के हानिकारक कीटों से मुक्त रखने में सहायक होता है और चूने के छिड़काव से तालाब का पीएच मान भी बढ़ाया जा सकता है। मत्स्य कृषक भाइयों, आपके तालाब का पीएच मान कितना उपयुक्त है यह पता लगाना बेहद आसान है। किसी भी तालाब में अगर हमको पता करना है कि हम उसका पीएच मान कितना रहे, तो उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय है कि आप पीएच पेपर मार्केट से ख़रीद लीजिए, इस तरह का पीएच पेपर, और इसको जब पानी में आप डुबाएंगे तो इसमें जो रंग डेवलप होगा उस रंग का यहाँ हम मिलान करते हैं, तो जिस तरह का रंग यहाँ डेवलप होगा वही रंग इसमें जहाँ मिल जाए उतना पीएच मान माना जाता है कि है। तालाब का पीएच 8 के करीब होना चाहिए, 8.2 पीएच, 8.5 पीएच, 8.5 पीएच अति उत्तम है। अगर 7 होता तो फिर हमें उसमें चूने का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ डुबा करके देखें इसका रंग परिवर्तित हो गया। ये रंग का मिलान आप इसके अनुसार करेंगे कि कैसा रंग हुआ है वही इसका पीएच मान होगा। देखिए यहाँ पे रंग के मिलान करने से हमें लगभग जो है 6 से इसका मिल रहा है, इसका मतलब कि इस पानी का पीएच मान 6 है, जो कि अत्यंत एसिडिक पानी है। इसमें तालाब में चूने का व्यवहार करना नितांत आवश्यक है, जिसको कि 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से किसान बंधु दे सकते हैं। आमतौर पर बिहार में रोहू, कतला व मिर्गा मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। इन तीनों मछलियों की पहचान के विषय में हम आपको बताएंगे। रोहू मछली को हम पहचान का इस तरह से पहचानते हैं कि इसके दोनों ओट में निचला जो ओट होता है वो फ्रिंज्ड होता है, स्प्रिंग की तरह आप देख रहे होंगे, कटा फटा होता है निचला ओट। ये कॉलम फीडर है जो कि बीच में भोजन ग्रहण करता है, जिसको कि आप पकड़ के इसको खींच सकते हैं इसके ओट को। देखिए आप देख रहे होंगे कि कतला का मुंह नीचे का ऊपर वाले से बड़ा होता है और ये बिल्कुल सपाट होता है। उसके अलावा कतला का रंग जो है शरीर का हल्का ब्लैकिश और बीच का पोर्शन बॉडी जो विड्थ है ये सारी मछलियों में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है।
ये कतला का पहचान है। इस मछली को सिरहाइनस मिरीगला कहा जाता है, जिसको लोकल भाषा में लोग मिर्का बोलते हैं। इसका ऊपर का पोर्शन नीचे वाले से बड़ा रहता है मुंह, और शरीर बेलनाकार रहता है। ये इसका पहचान है। और इसका वृद्धि, चूँकि ये नीचे वाले तली में से भोजन ग्रहण करता है, तो इसका वृद्धि बाकी तीनों देसी मछलियों में सबसे कम होता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें लागत और मुनाफा कितना हो सकेगा, तो चलिए इस आंकड़े को भी समझ लेते हैं। किसान भाइयों, आपके आसपास कई सारी संभावनाएं हैं। विकास की राहें उतनी मुश्किल भी नहीं, जरूरत है बस समय रहते सही राह पकड़ने की।